शहर में प्रतिबंधित नायलॉन मांझा बनाने, बेचने और खरीदने वालों के खिलाफ मकोका व सदोष मनुष्यवध के तहत मांग कार्यवाही किए जाने की मांग आपके प्रतिनिधि मंडल ने की है। प्रतिनिधि मंडल ने इस मामले में पुलिस परिमंडल 3 के उपायुक्त गोरख भामरे को ज्ञापन सौंपा है। प्रतिनिधि मंडल का कहना है कि आखिर हर वर्ष शहर में इतनी बड़ी मात्रा में नायलॉन मांझा शहर में आता कहां से है, इसकी छानबीन किए जाने पर रोकथाम हो सकेगी। प्रशासन की ओर से दिखावे के लिए कार्यवाही कर खानापूर्ति कर दी जाती है। नायलॉन मांझा बेचने और खरीदने वालों पर मकोका की कार्यवाही की जाए। बार बार यह कृत्य करने वालों पर सदोष मनुष्यवध का मामला दर्ज किया जाएगा। प्रतिनिधि मंडल में आम आदमी पार्टी मध्य नागपुर अध्यक्ष लक्ष्मीकांत दांडेकर, कृतल मोहड़ आकरे, विशाखा दुपारे, संगीता बांते, गिरीश तितरमारे, विनोद गौर, पीयूष आकरे, प्रेमलाल खोटे, अमर बांते सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। नमस्कार, मैं पीयूष आकरे, आम आदमी पार्टी युवा आघाड़ी विदर्भ रीजन संयोजक। आज आम्ही नागपुर शहर पुलिस परिमंडल 3 जैसे अंतर्गत कोतवाली, महाल, इतवारी आणि शुक्रवारी हे पतंग मार्केट सुद्धा येतात। या पोलीस स्टेशनला आज आम्ही नायलॉन मांझा बंदीसाठी एक निवेदन दिलेलं आहे आणि याच्यात आम्ही मागणी केलेली आहे की जे पण नायलॉन मांझा विकत आहेत दुकानदार किंवा खरेदी करतात त्यांच्यावर कडक कारवाई व्हावी, त्यांच्यावर मकोकासारखे मोठे गंभीर गुन्हे दाखल व्हावे आणि जर कधी ऐकत नसेल तर त्याच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, जेणेकरून ही जी कारवाई वाढली पाहिजे त्याला बळ मिळेल। प्रत्येक वर्षी आपण बघतो की नायलॉन मांझ्याने अनेक लोकांचे जीव जातात, लहान लहान मुलांचे जातात, पक्षी प्राणी यांनाही हानी होत असते, पर्यावरणाला मोठा धोका होतो। तरीही ह्या कंपन्या नायलॉन बनवणाऱ्या या काही बंद करत नाही आहेत, तरी आमची प्रशासनाला हात जोडून विनंती आहे त्यांनी मोठी कारवाई करावी आणि यावर्षी तरी कमीत कमी नायलॉन मांझा बंद करावा। जय हिंद, जय भारत। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पानसिक रिपोर्ट।